नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिहार की सियासत से। दरअसल जदयू के एमएलसी नीरज कुमार की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद ले जाने की तैयारी की जा रही है। वहीं जदयू एमएलसी नीरज कुमार जो लगातार अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं, कई दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, पटना में ही इलाज भी कराया उन्होंने। सीने में कुछ शिकायत थी उनको, हृदय संबंधित कुछ तकलीफ थी, जिसकी वजह से उन्हें पटना में इलाज कराना पड़ा, लेकिन पटना के डॉक्टरों की सलाह पर ही उन्हें अब हैदराबाद ले जाए जाने की तैयारी की जा रही है। अगर खबर विस्तार से बात की जाए तो बिहार सरकार के पूर्व सूचना और जनसंपर्क मंत्री और जदयू के विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। वो जदयू के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। नीरज कुमार को पिछले महीने सीने में दर्द की शिकायत पर पटना के जयप्रभा मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पटना स्थित इस अस्पताल के डॉक्टरों ने पेसमेकर भी लगाया था और मंगलवार की सुबह अचानक फिर से तकलीफ होने पर जब उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया तो वहां से इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद भेजे जाने की वहां बात सामने आई। वहां से AIG हॉस्पिटल में उनका इलाज होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य के बारे में उनसे फोन पर बातचीत की। उनके निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने हैदराबाद के AIG हॉस्पिटल में संपर्क भी किया। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक नीरज कुमार जो है वो एयर एम्बुलेंस से अब हैदराबाद ले जाए जाएंगे। देखिए आप ये खबर जब देख रहे होंगे उसके कुछ घंटे बाद ही हो सकता है नीरज कुमार को एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद ले जाए जाने की तस्वीर भी निकलकर सामने आ जाए। उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, जिस वजह से उन्हें हैदराबाद के IG अस्पताल में भर्ती कराया जाना है। हृदय संबंधित कुछ तकलीफें हैं, कुछ बीमारियां हैं, जिनके इलाज के लिए उन्हें पटना से बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद भेजा जा रहा है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि नीरज कुमार को कुछ दिन पहले ही पेसमेकर लगाया गया था, जिसके बाद वो इलाजरत थे, लेकिन मंगलवार की सुबह तकलीफ बढ़ने पर उन्हें फिर से वेदांता में भर्ती कराया गया। अब बताया जा रहा है कि वे इलाज के लिए हैदराबाद जाएंगे, वहां के AIG हॉस्पिटल में उनका इलाज होगा। अचानक देर रात उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हैदराबाद ले जाए जाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य के बारे में उनसे फोन पर बातचीत भी की है, लगातार उनसे संपर्क में भी हैं। जदयू के बड़े नेता हैं नीरज कुमार, MLC हैं और पूर्व सूचना जनसंपर्क मंत्री भी रहे हैं, तो ऐसे में नीरज कुमार को आप बखूबी जानते भी होंगे, क्योंकि अच्छे वक्ता हैं, काफी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, अपनी बात को रखते हैं, प्रतिक्रिया काफी तीखी देते हैं। पॉलिटिक्स की बात करें, सियासत की बात करें, तो बिहार के सियासत में नीरज कुमार का जो नाम है वो काफी चर्चित है। जदयू के बड़े नेता भी हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी भी हैं और अब ऐसे में उनकी तबीयत खराब है तो उन्हें हैदराबाद ले जाए जाने की तैयारी की जा रही है। नीरज कुमार पिछले कई दिनों से लगातार अपनी तकलीफों से जूझ रहे थे, शरीर में कई तरह की तकलीफें थी, हृदय संबंधित उनको तकलीफ थी, सीने में दर्द की शिकायत हुई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने पेसमेकर लगाया था, लेकिन मंगलवार की सुबह अचानक एक बार फिर से उनकी तबीयत नासाज हुई, जिसके बाद उन्हें मेदांता में फिर भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें हैदराबाद ले जाए जाने की सलाह दी है। तो अब एयर एम्बुलेंस से नीरज कुमार हैदराबाद जाएंगे और यह तय माना जा रहा है कि अभी से कुछ घंटों बाद नीरज कुमार को एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद के IG हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा। प्रत्यय अमृत से भी बात हो गई है अस्पताल में, उन्होंने बातचीत की है और नीरज कुमार के इलाज का पूरा व्यवस्था किया जा रहा है। ऐसे में अब देखना है कि नीरज कुमार जब हैदराबाद पहुंचते हैं तो उनका इलाज किस प्रकार होता है और वहां से वो ठीक होकर लौटते हैं। हालांकि हम भी यही चाहते हैं कि नीरज कुमार जल्दी स्वस्थ होकर हैदराबाद से लौटे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि हैदराबाद में उनका इलाज होने जा रहा है और वो एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद के लिए रवाना होने जा रहे हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।